दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉटलैंड वर्सेस नमीबिया के बीच जो यूएई समर बेस का पांचवा T20 मैच होगा इसके बारे में। आज कोई T10 का मैच है नहीं, ना ही कोई कल मैच होंगे, परसों से न्यू T10 सीरीज और वो भी बड़ी शानदार, क्योंकि जो प्लेयर होंगे, चलो वो वहीं पर बात करेंगे। अभी हम इस मैच के बारे में बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्कॉटलैंड ने एक मैच खेला है जो ये विन कर गई है, जो कि इनका कल का मैच था। उसके अलावा नमीबिया ने भी एक मैच खेला है जो ये भी विन कर गई है। दोनों टीमें ओवरऑल अभी तक काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है यूएई समर बेस के अंदर, ठीक है। अब इनका पहला मैच होगा जिसमें से किसी को हारना होगा, कौन हारेगी, कौन सी इंपॉर्टेंट टीम है, और देखो कोई हारे चाहे कोई जीते, हमारी टीम में परफेक्ट प्लेयर होने चाहिए जो हमें फैंटेसी में ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट दे। थोड़ी सी रिस्की टीम होगी, आपको बताने की जरूरत है नहीं, लेकिन आपके लिए क्लासिकल टीम होगी। तो वीडियो को ध्यान से पूरा वॉच करना, मैच की सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा कि ग्रैंड लीग विन की। लेकिन अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो मेरे लिए कल एक बहुत ही बुरा दिन गया, क्योंकि लगभग मैं आपको बता दूं एक भी मैच में मैंने क्लीन स्वीप नहीं किया, एक भी मैच। वैसे जीता तो था, बट मेरी आदत होती है हमेशा क्लीन स्वीप करने की, लेकिन एक भी मैच में क्लीन स्वीप नहीं हुआ। इवन नाइट के मैच में भी क्लीन स्वीप नहीं कर पाया मैं। चलो कोई ना, जो भी होता है अच्छा ही होता है। बाकी बहुत मैचेस हमने विन भी किए पिछले, अब ये मैच है। अब देखो ये मैच ऐसा तो है नहीं कि भाई, आप ही जानते हो T10 में देखो खासियत क्या होती है। हम सभी लोग जो IKM फैमिली के मेंबर है, हमको पता होता है कि कौन प्लेयर कैसा है। अब इसमें क्या है, स्कॉटलैंड नमीबिया ये इंटरनेशनल मैचेस या IPL के मैचेस, इसमें सभी बंदों को पता होता है कि कौन प्लेयर कैसा है। इसलिए मैं आपको हमेशा इन्वेस्टमेंट के लिए ओनली T10 के मैचेस में कहता हूं। अब बात आती है स्कॉटलैंड नमीबिया की, वीडियो बना रहा हूं तो इसमें इन्वेस्टमेंट क्या आपको रखना है। तो गाइज मैं आपको सिंपल सी बता देता हूं, मेरी बात कर रहा हूं मैं, मेरा इन्वेस्टमेंट अगर मेरे पास अगर 100 रुपए होते हैं तो मेरा इन्वेस्टमेंट इस मैच के अंदर 20 रुपए होगा, यानी कि वॉलेट का 20% इन्वेस्टमेंट मैं इस मैच में करने वाला हूं, ठीक है। चलिए मैं यहां से आपको पहले बैटिंग ऑर्डर बॉलिंग अटैक दिखा देता हूं, उसके बाद हम टीम भी देखेंगे, ठीक है। और ये शॉर्ट वीडियो है, मैं ज़्यादा लंबा वीडियो बनाता भी नहीं हूँ और मुझे पसंद भी नहीं है। सबसे पहले जो मैच हो रहा है सारे के सारे एक ही ग्राउंड पे हो रहा है। यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ देखने को मिलेगी कि बैटिंग बॉलिंग दोनों को बराबर हेल्प मिल रही है, नमीबिया और जितने भी मैचेस हो रहे हैं सारे के सारे एक ग्राउंड पे, ठीक है। और अगर इनको आप काउंटली तरीके से देखोगे तो बैलेंस ट्रैक आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जिस हिसाब से दोनों टीमों के पास प्लेयर है तो आपको बैटिंग बॉलिंग मतलब जो है ना, मतलब बैटिंग से भी खतरनाक रन दिखेंगे और बॉलिंग में भी हो सकता है कि बस तगड़ी बॉलिंग हो जाए, ठीक है। हाँ, बाकी ये चीज ध्यान रहे, स्कॉटलैंड की जो टीम है वो नमीबिया से स्ट्रॉन्ग टीम है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोनों टीमों का बैटिंग ऑर्डर देखते हैं ताकि हमें ये आइडिया हो जाएगा कि कौन प्लेयर कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है। स्टीफन बार्ड लास्ट मैच में 39 रन की इनिंग खेली, ओपन करेंगे जेन ग्रीन के साथ, ठीक है। अब एक बात मैं आपको बता देता हूं, मैक्सिमम लोगों के पास आएगा मैथ्यू क्रॉस भी आप ले सकते हो, लेकिन जेन ग्रीन ओपन करेगा। लास्ट मैच में 0 पे गया, यानी कि इस मैच में ये पहला ट्रंप प्लेयर है जो ओपोनेंट के पास नहीं होगा और हमारे पास रहने वाला है, ठीक है। ओपनर प्लेयर और एक छठे नंबर का प्लेयर कौन इंपॉर्टेंट है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तो एक पिक तो आपको यहां से पिक कर लेना है, ठीक है। वरना उन्होंने क्रेग विलियम्स 57 रन का स्कोर किया इन्होंने लास्ट मैच में। उसके बाद ग्राहट इरास्मस है 27 रन का स्कोर किया। डेविड विसी दोस्तों आपको बताया कितने गजब के प्लेयर है और इस बार ये नमीबिया से खेलने वाले वर्ल्ड कप भी, ठीक है। उसके बाद जे जे स्मिथ है, जेन फ्राइलिंग के, जो इस टीम की जान मान सकते हो आप लोग, क्योंकि एकमात्र ऐसा प्लेयर है जो हमेशा अपनी साइड से सबसे ज्यादा विकेट टेकर की बॉलिंग जो कैटेगरी होती है उसमें आता है। उसके बाद यहाँ से रूबिन ट्रम्पलेमन है, उसके बाद पिक्की या फ्रांस है, फिर कार्ल ब्रिकेनस्टोक है, ये इनका प्लेइंग इलेवन रहने वाले। बीच शोल्टेज है जो बैटिंग नहीं आई थी, बाकी ये इनकी प्लेइंग इलेवन रहने वाली। बैटिंग ऑर्डर से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि कौन प्लेयर कब बैटिंग करने का और कौन सा प्लेयर कितना इंपॉर्टेंट है। बॉलिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो बॉलिंग में 6 विकेट अकेले बंदे ने जेन फ्राइलिंग ने लिए, 2 विकेट लिए रूबिन ने, डेविड विसी ने 1 विकेट, बाकी किसी को कोई विकेट नहीं मिला। सेकंड प्लेयर में आपको जिसके बारे में बताने वाला हूँ वो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, जे जे स्मिथ छठे नंबर पर बैटिंग करने आ जाएगा। स्कॉटलैंड की टीम वैसे भी स्ट्रॉन्ग है तो छठे नंबर पे तो बंदा बैटिंग करेगा, प्लस में अगर आप लोग यहां पर देखोगे तो 4 ओवर बॉलिंग भी करेगा। हालांकि बॉलिंग से विकेट तो नहीं मिला इनको, लेकिन बॉलिंग पूरे 4 ओवर करेगा, यानी कि ऐसा प्लेयर जिसको टीम में रखना ही रखना है। ऑलराउंडर सेक्शन में सिलेक्शन बेसिस में जाऊंगा, 30%, यानी कि किसी के पास होगा किसी के पास नहीं होगा। तो सेकंड प्लेयर ये हमारे लिए डिफरेंशियल टीम के लिए आ चुका है, ठीक है। बाकी हम यहां से तो वही प्लेयर देंगे जो नॉर्मली सबके पास होंगे, तो 2 तो अपने पास डायरेक्टली डिफरेंशियल प्लेयर्स आ चुके हैं नमीबिया साइड से। अब हम चलते हैं स्कॉटलैंड की टीम की तरफ। स्कॉटलैंड लास्ट मैच अपना विन करके आ रही है, यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा स्कॉटलैंड में जॉर्ज मुंसी, केल कोटजर ओपन करेंगे, ओलिवियर हैरिस वन डाउन आएंगे, रिकी बेरिंगटन सेकंड डाउन, केलम मैकलियोड 5वें नंबर पे। देखो स्कॉटलैंड, मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में, एक इंपॉर्टेंट और एक मजबूत टीम है। अगर स्कॉटलैंड की टीम पहले बैटिंग करे उस केस में केलम मैकलियोड इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन अगर बॉलिंग करे तो, क्योंकि केल कोटजर
ओपन करेंगे तो ये कैलम मैकलियोड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्यों? क्योंकि एक तो बंदा ओपन करता है, एक पांचवें नंबर बैटिंग के लिए आता है। कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये मुझे बताने की ज़रूरत है भी नहीं। और उसके अलावा केल कोर्जर बॉलिंग भी करवाते हैं, हालांकि लास्ट मैच में की अगर मैं बात कर तो कैलम मैकलियोड ने 4 ओवर बॉलिंग की थी, ठीक है। बाकी देखो अभी मैं आपको ये बता देता हूँ, इन्होंने बॉलिंग की थी लेकिन मेन बॉलर्स की बॉलिंग कटी थी, जैसे कि एलेक्जेंडर इवांस हो गए, जोश डेवी हो गए, क्रिस लॉय है। कैलम मैकलियोड की बॉलिंग की चांसेस हालांकि ये कह सकता हूँ मैं कम है, ध्यान रहे, ठीक है। हाँ, बाकी लास्ट मैच में किया था तो इंपॉर्टेंट रहेगा कोर्जर भी और कैलम मैकलियोड भी, ठीक है। ये लास्ट मैच का परफॉर्मेंस रहा था स्कॉटलैंड के बैट्समैन का, और बॉलिंग की बात आती है तो ये बॉलर्स का, ठीक है, ये परफॉर्मेंस रहा था। अब हम चलते हैं हमारी टीम की तरफ जो स्मॉल लीग के अंदर मैं यूज करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल विकेट, देखो मैं आपको बताया फेंटा पे ही मेरा इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर रहता है, क्योंकि यहाँ का मेरा टारगेट है भाई जो साल के एंड तक 1 करोड़ तो वॉलेट में करना है। ऑलरेडी मैं अर्न कर चुका हूँ 1 करोड़ तो, लेकिन फिर भी वॉलेट के अंदर मुझे 1 करोड़ करना है। उम्मीद है कर भी लूँगा, क्योंकि देखो मेरा मेन फोकस होता है यहाँ पर ही खेलना है। और मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा, बाकी आप खेलो कहीं पर भी, क्योंकि ड्रीम पे भी ये टीम बन जाएगी, कोई इशू नहीं है। बाकी देखो फेंटा पे रीज़न क्या है, क्रेडिट इश्यू कभी भी नहीं आएगी, और बाकी कंपटीशन का लेवल आपको कम देखने को मिलेगा, और एंट्री फीस तो आप खुद कंपैरिजन कर लोगे जब आप यहाँ पर खेलना स्टार्ट करोगे। डाउनलोड लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऑलरेडी मैं यहाँ से 47 लाख तो अभी भी मेरे वॉलेट में है, जो मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि दिखाया और वीडियो गई, ठीक है। इसलिए आपको पता भी होगा जो बंदे पहले से जुड़े हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल विकेट कीपर सेक्शन डिफरेंशियल माइंड के साथ चलना है, जेन ग्रीन को पिक कर लेना, ठीक है। बैटिंग सेक्शन में आप आओगे, कैलम मैकलियोड को मैं नहीं लेता, लेकिन लेना पड़ेगा क्योंकि बंदे ने बॉलिंग की, हो सकता है इस मैच में भी बॉलिंग कर ले, दिमाग खराब हो जाएगा बॉलिंग से विकेट ले गया तो, ठीक है। इसलिए मैंने यहां से क्रेग विलियम्स को लिया है, जॉर्ज मिंसे को लिया है, कैलम मैकलियोड को लिया है। ये तीन बैट्समैन मैंने टीम में लिए ऑलराउंडर सेक्शन से, रिकी बैरिंगटन, डेविड विसी, जेजे स्मिथ, यहां से जे फ्रैनलिक, ये डिफरेंशियल प्लेयर हो गए, ये तीनों सबके पास आएंगे। डेविड विसी कैप्टन, वाइस कैप्टनसी का ऑप्शन भी आएगा लोगों के पास। बॉलिंग की बात आती है, एलेक्जेंडर इवांस, हमजा ताहिर और यहां से क्रिस लॉय। देखो हम एलेक्जेंडर इवांस हाई चांसेस किसी के पास नहीं होगा, लेकिन बंदा डेथ में बॉलिंग करेगा, डेथ में बहुत हाई चांस है विकेट मिलते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि लास्ट मैच में अगर किसी ने विकेट नहीं मिला तो अगले मैच में भी नहीं मिलेगा, तो ये भी एक डिफरेंशियल पिक के तौर पे हम लेके चलेंगे। बाकी आपके पास रूबिन का एक अच्छा ऑप्शन है जो लास्ट मैच में 2 विकेट लेके भी गया था, तो बाकी देखो आप जो चाहते हो ना उसको भी लेके जा सकते हो। मैं आपको बताया थोड़ा सा रिस्क लेता ही, और 3 प्लेयर का रिस्क ऐसा है जो बिल्कुल शानदार रिस्क हो सकता है, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरा इन्वेस्टमेंट कम ही रहेगा। मैं कभी भी इन मैचेस में इन्वेस्टमेंट हाई करता ही नहीं हूं, ठीक है, क्योंकि देखो T10 में क्या होता है, पूरा गेम अपने हाथों में होता है, हम जानते हैं कि भाई कौन प्लेयर कैसा है, यहां पर सब जानते और सब जानते हैं, तो भाई भीड़ का सम नहीं बनेंगे, ठीक है। कैप्टन वाइस कैप्टनसी की बात आती है, कैप्टन रहेगा मेरा डेविड विसी। विसी के लिए 2 ऑप्शन है, जो जे फ्रैनलिक जिसने 6 विकेट लिए लास्ट मैच में, सेकंड नंबर पे रिकी बैरिंगटन, थर्ड नंबर पे यहां से कैलम मैकलियोड, ठीक है। अभी के लिए मैं जाने वाला हूं रिकी बैरिंगटन के साथ। फ्रैनलिक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन सामने वाली टीम जो है स्कॉटलैंड की है, जो हाईली चांस है इतने विकेट उनको नहीं मिलेंगे। जरूरी नहीं है कि लास्ट मैच में 6 विकेट लिए तो इस मैच में भी 6 ही विकेट ले, हो सकता है 1-2 विकेट भी ले ले। इंपॉर्टेंट पिक तो है, आप ड्रॉप तो कर ही नहीं सकते हो, लेकिन फिर भी आपको मैं बता दूं वीसी के लिए रिकी बैरिंगटन, डेविड विसी अच्छे ऑप्शन है। और अगर आप चाहते हो फ्रैनलिंग के साथ जाना, बिल्कुल जा सकते हो, क्योंकि हर बार मैं सही हूं ये मतलब पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कई बार मैं भी गलत हो सकता हूं, तो ये बात आपको ध्यान